हेलो स्टूडेंट्स आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर एट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे ये इसका पार्ट टू है रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है आवाज वहाँ के देख सकते हैं इस वीडियो में आज हम सेकंड अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच इस वीडियो में हम सेकेंड अप्रोच का यूज करके इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवरियम आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कि किस तरह हम इक्वरियम पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम समझते हैं इसमें लिखा है इक्विवरियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट इज डिटरमाइंड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड लेवल ऑफ प्लांट सेविंग इज इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट इसका मतलब है कि इक्लिवियम लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट उस पॉइंट को कहा जाएगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो एग्रीगेट सप्लाई के या फिर आपकी प्लांट सेविंग इक्वल हो प्लांट इन्वेस्टमेंट तो हम कह सकते हैं कि में में पॉइंट उस सिचुएशन आएगा जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी एग्रीगेट डिमांड के या फिर आपकी प्लांट सेविंग इक्वल होगी प्लांट इन्वेस्टमेंट की तो यहां पर इक्वीरियम पॉइंट को कैलकुलेट करने की आपकी दो अप्रोचेज हैं फर्स्ट अप्रोच है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड अप्रोच एंड सेकेंड अप्रोच है प्लांट सेविंग इज इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट अप्रोच पार्ट नंबर वन के अंदर हमने फर्स्ट अप्रोच को पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है अगर आपको फर्स्ट अप्रोच को सीखना है तो आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर वन देख सकते हैं इस वीडियो में आज हम सेकेंड अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच और हम सीखेंगे कि किस तरह सेकेंड अप्रोच का यूज करके इक्वीरियम पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है इसमें लिखा है द इक्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज दैट लेवल एट एडवेच प्लांट सेविंग ऑल्सो नोन एज एक्स एंटी सेविंग एंड प्लांट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो नोन एज एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट आर इक्वल इसका मतलब है कि जहां पर आपका प्लांट सेविंग इक्वल आ जाएगा प्लांट इन्वेस्टमेंट के उसी पॉइंट को हम इक्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट कहेंगे यानी अगर आपकी प्लांट सेविंग इक्वल हो आपके प्लांट इन्वेस्टमेंट के तो वही पॉइंट आपका इक्वीरियम पॉइंट होगा इसकी एक और डेफिनेशन है इसमें लिखा है इन अदर वर्ड्स एक्रम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट डिटरमाइंड वेयर प्लांट सेविंग इज इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट और वेयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्ज इंटरसेक्ट ईच अदर इसका मतलब भी सेम वही है जो फर्स्ट डेफिनेशन का है यहां पर भी इसका मतलब यही होगा कि जहां पर आपकी प्लान सेविंग इक्वलो प्लान इन्वेस्टमेंट के या फिर जहां पर आपका सेविंग कव इंटरसेक्ट कर रहा हो इन्वेस्टमेंट कव को उसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट कहेंगे तो ओवरऑल आपको याद यही रखना है कि जहां पर आपका सेविंग कव इंटरसेक्ट करे इन्वेस्टमेंट कव कर को या फिर जहाँ पर आपका प्लांट सेविंग इक्वल हो प्लांट इन्वेस्टमेंट के तो उसी पॉइंट को हम इक्वेरियम पॉइंट कहेंगे नाउ हमने डेफिनेशन में प्लांट सेविंग का एक और वर्ड पढ़ा एक्स एंटी सेविंग एंड प्लांट इन्वेस्टमेंट का एक और वर्ड पढ़ा दैट इज एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट तो यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक्स एंटी सेविंग का मतलब क्या है और एक किस तरह डिफरेंट है एक्सपोज सेविंग से क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक्स सेविंग डिफरेंट है एक्चुअल सेविंग से तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब है एक्स सेविंग का और ये किस तरह डिफरेंट है एक्चुअल सेविंग से तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है एक्स सेविंग एंड एक्स पोस्ट सेविंग यहां पर हम इन दोनों में डिफरेंस सीखेंगे क्योंकि जब हम इक्रम पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सिर्फ एक्स सेविंग को इंक्लूड किया जाता है एक्स पोस्ट सेविंग को हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ आ जा जाएगा कि एक पॉइंट निकालने के लिए क्यों हम एक्स सेविंग का यूज करते हैं सबसे पहले हम एक्स सेविंग का मतलब समझेंगे इसमें लिखा है इट रिफर्स टू डिजायर्ड सेविंग और प्लांट सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन ईयर दीज आर द सेविंग्स विच पीपल इंटेंड टू मेक इन द इकनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन ईयर काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है इसका मतलब है कि एक्स सेविंग उस सेविंग को कहा जाता है जो आपकी डिज़ायर्ड सेविंग है यानी जो सेविंग आप प्लान कर रहे हो आने वाले साल के अंदर उसी को हम एक्स सेविंग कहते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप नेक्स्ट ईयर में टेन थाउजेंड रुपीज़ सेव करने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर आपका टेन थाउजेंड रुपीज़ एक्स सेविंग कहलाएगा यानी जो भी लोग प्लान कर रहे हैं सेविंग करने का उसी सेविंग को हम एक्स एंटी सेविंग कहते हैं इसके अपोजिट एक्सपोज सेविंग का मतलब है इट रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन ईयर दिस एक्सपेक्ट ऑफ सेविंग इज कंसिडर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इसका मतलब है कि वो सेविंग जो आपने एक्चुअल में की है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन ईयर उस सेविंग को हम कहते हैं एक्स पोस्ट सेविंग यानी अगर आप करंट ईयर के अंदर आठ हजार रुपये सेव कर लेते हो तो वो तो हो जाएगी आपकी एक्स पोस्ट सेविंग और आप आने वाले साल में प्लान कर रहे हो दस हजार सेविंग करने का तो उसे हम कहेंगे एक्स एंटी सेविंग इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि एक्स पोस्ट सेविंग का यूज हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में करते हैं यानी एक्सपोज सेविंग आपकी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम यूज़ की जाती है ये भी आपको याद रखना है तो यहाँ पर आप दोनों में डिफरेंस देख चुके हैं कि एक्स एंड सेविंग का तो मतलब है प्लांट सेविंग कि वो सेविंग जो लोग प्लान कर रहे हैं करने के लिए ड्यूरिंग द अपकमिंग ईयर एंड एक्सपोज सेविंग का मतलब है कि वो सेविंग जो आपने एक्चुअल में की है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन ईयर तो हमें याद रखना है कि जब हम एकम पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सिर्फ हम एक्स एंड टी सेविंग को इंक्लूड करते हैं कभी भी हम एक्स पोस्ट सेविंग को इंक्लूड नहीं करते हैं ये तो हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन एक्स एन टी सेविंग एंड एक्स पोस्ट सेविंग इस तरह आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्स एन टी इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट इसका मतलब ही सेम वही है जो हमने सेविंग के बारे में डिस्कस किया सबसे पहले हम एक्स एंड टी इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं इसमें लिखा है इट रेफर्स टू डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन ईयर दिस इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज इंटेंडेड टू बी मेड इन द इकनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन ईयर इसका मतलब है कि एक प्रोड्यूसर जो भी प्लान कर रहा है आने वाले साल में इन्वेस्टमेंट करने की उसी को हम कहते हैं एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के अंदर हम सिर्फ उन्हीं खर्चों को इंक्लूड करते हैं जो एक प्रोड्यूसर आने वाले साल के अंदर करने वाला है और उसी को हम कहते हैं एक्स टी इन्वेस्टमेंट आगे लिखा है इट डज नॉट इंक्लूड अनप्लान इन्वेस्टमेंट इसका मतलब है कि जब हम एक्स एन टी इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं इक्रियम पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए तो उसमें अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है अन इन्वेस्टमेंट का मतलब आगे लिखा हुआ है इसमें लिखा है अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज लाइक अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स विच इज ट्रीटेड एज इन्वेंट्री बट दिस इज अनडिज इन्वेंट्री इसका मतलब है कि अनप्ल इन्वेस्टमेंट एक अनसोल्ड गुड्स की तरह हो गई जो आप बेच नहीं पाए उन गुड्स को हम अनसोल्ड स्टॉक और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं और यह स्टॉक आपका अनडिजायर्ड इन्वेंट्री है यानी हमने प्लान नहीं किया था इसे सेव करने का यह तो आपने जब सोल्ड किए गुड्स तो उतने सोल्ड हुए नहीं जितना आपने प्लान किया था इसी को हम अनप्लान इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट का मतलब प्लान इन्वेस्टमेंट से है जिसका मतलब है कि आने वाले साल के अंदर आप कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने वाले हो इसमें हम कभी भी अनप्लान इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं यह आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि अनप्लान इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट जो आपने प्लान नहीं की थी जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कुछ गुड्स आपके अनसोल्ड रह गए ड्यूरिंग द ईयर तो ये अनसोल्ड स्टॉक आपका इन्वेंट्री होगा और इसी को हम अनप्लान इन्वेस्टमेंट कहेंगे और अनप्लान इन्वेस्टमेंट को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता जब हम इक्रियम पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है तो ये तो हो गया आपका एक्स एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब ना हम समझते हैं कि एक्सपोर्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है इसमें लिखा है इट रिफर्स टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन ईयर लाइक एक्चुअल सेविंग दिस एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर इन द कॉन्टेस्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इसका मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट जो आपने एक्चुअल में की है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन ईयर उस इन्वेस्टमेंट को हम कहेंगे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट यानी आपने प्लान तो किया था टेन थाउजेंड रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करने का पर एक्चुअल में आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ एट थाउजेंड रुपीज़ की, की तो यहाँ पर टेन थाउजेंड रुपीज़ आपका होगा एक्स एनटी इन्वेस्टमेंट और एट थाउजेंड रुपीज़ जो आपने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की है उसे हम कहेंगे एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट साथ ही यहाँ पर यह भी लिखा है कि जब हम एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट को हम सिर्फ नेशनल इनकम अकाउंटिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं यानी एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में यूज किया जाता है जिस तरह एक्चुअल सेविंग आपकी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में यूज करते हैं उसी तरह नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर एक्सपोज इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है आगे लिखा है इट इंक्लूड्स बोथ प्लान्ड एज वेल एज अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट इसका मतलब है कि एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम दोनों इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं चाहे वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हो या चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो पर जब हम एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लान इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है अन इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटी सेविंग एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट जो आपको अच्छे से याद रखना है तो ओवरऑल हम कह सकते हैं इक्रियम जी डी पी इज स्टक ओनली वेन प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वीरियम जी डी पी हेज नथिंग टू डू विथ एक्चुअल सेविंग एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इसका मतलब है कि इक्वीरियम पॉइंट तभी कैलकुलेट हो सकता है जब आपकी प्लान सेविंग इक्वल हो प्लान इन्वेस्टमेंट के इक्वीरियम जी डी पी का कोई भी लेना देना नहीं है एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से एक्चुअल सेविंग एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके नेशनल इनकम अकाउंटिंग से बिलोंग करते हैं तो एकरियम पॉइंट के अंदर हम कभी भी एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को यूज़ नहीं करते हैं एक्रियम पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा प्लान सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है और जहाँ पर प्लान सेविंग इक्वल होता है आपके प्लान इन्वेस्टमेंट के उसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्रियम पॉइंट जो आपको अच्छे से याद रखना है तो इस तरह आपका ओवरऑल डिफरेंस कंप्लीट होता है जहाँ पर हमने देखा कि जब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच का यूज़ करते हैं इक्लेरियम पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए तो सिर्फ सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है तो ये तो आपका हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नाउ हम डायग्राम का यूज करके सीखेंगे कि किस तरह इक्रियम पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है तो आपकी हेडिंग होगी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसमें आपको शेड्यूल गिवन है और इस शेड्यूल के अंदर आपको इनकम गिवन है कंजम्पशन गिवन है सेविंग गिवन है एंड इन्वेस्टमेंट गिवन है हम इस शेड्यूल का यूज करके एक लियरम पॉइंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं आप एक्स एक्सिस पर लिखेंगे इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट और y आएगा आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और आपका पॉइंट ऑफ ओरिजन है पॉइंट सबसे पहले हम सेविंग को ड्रॉ करते हैं तो शेड्यूल के अंदर जो आपको सेविंग गिवन है अगर उसे आप ग्राफ पर मार्क करेंगे तो आपका जो कव आएगा वही आपका सेविंग कव होगा जो कुछ इस तरह दिखेगा इसी तरह आपको शेड्यूल के अंदर इन्वेस्टमेंट गिवन है अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट्स को ग्राफ पर मार्क करेंगे तो जो आपका कर्व आएगा उसी को हम इन्वेस्टमेंट कर्व कहेंगे जो कुछ इस तरह दिखेगा नाउ जहां पर इन्वेस्टमेंट कर्व इंटरसेट करता है सेविंग कव को वही पॉइंट आपका इक्लेरियम पॉइंट होता है जो आप ग्राफ पर देख सकते हैं इस पॉइंट को हम पॉइंट ई e कहेंगे और जो आपका ओ से लेकर वाई तक का इनकम लेवल है वही आपका इक्लेरियम पॉइंट होगा क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पर सेविंग आपकी इक्वल है इन्वेस्टमेंट के और हम जानते हैं कि जहाँ पर आपकी सेविंग इक्वल होती है इन्वेस्टमेंट के उसी पॉइंट को एक पॉइंट कहा जाता है जो आप शेड्यूल में भी देख सकते हैं कि शेड्यूल के अंदर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही जगह हुआ है जो है हंड्रेड इनकम पर कंजम्पशन एटीन जहाँ पर आपकी सेविंग आ गई ट्वेंटी और क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी ट्वेंटी है इसलिए इस पॉइंट को हम कहेंगे इक्लिब्रम पॉइंट तो काफी सिंपल था इसमें आपको यही याद रखना है कि जहां पर आपका सेविंग कर्व इंटरसेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट कर्व को उसी पॉइंट को इक्लिब्रम पॉइंट कहा जाता है तो ये हो गया आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जिसके अंदर हमने कर्व का यूज करके इक्लिब्रम पॉइंट को कैलकुलेट किया नाउ हमने यहां तक तो सीख लिया है कि किस तरह इक्लिब्रम पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है नाउ अगर आपकी सेविंग ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से या फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सेविंग से तो किस तरह हम इन सिचुएशन को हैंडल करके इक्वेरियम पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो हम फिर से डायग्राम देखते हैं डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जहां पर सेविंग कव इंटरसेट करता है इन्वेस्टमेंट कव को उसी पॉइंट को हम इक्रियम पॉइंट कहते हैं पर अगर आपकी सेविंग ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से या फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सेविंग से तो उसे किस तरह वापस से एक्रम पॉइंट पर पहुंचाया जाएगा किस तरह वापस से एक्रम पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं फर्स्ट सिचुएशन तो है कि जहां पर आपकी सेविंग ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट से जो आप डायग्राम पर देख सकते हैं और सेकेंड सिचुएशन है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से जो भी आप डायग्राम पर देख सकते हैं हम दोनों सिचुएशन को वापस से किस तरह क्लियर पॉइंट पर पहुंचाएंगे किस तरह हम इक्रम पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे देन एंड में हम एक शॉर्ट फॉर्म में पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो फर्स्ट सिचुएशन है इफ सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट तो ये आपके सभी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे और हम डायग्राम को भी यूज करेंगे उस पूरी सिचुएशन को समझकर वापस से एक पॉइंट को कैलकुलेट करने तक इसमें लिखा है एट ओ आई वन लेवल ऑफ इनकम द सेविंग कर्व लाइज अबव द इन्वेस्टमेंट कर्व इसका मतलब है कि ओ आई वन लेवल ऑफ इनकम पर आपका सेविंग कर्व ऊपर होता है इन्वेस्टमेंट कर्व से जो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जब आपका सेविंग कर्व ऊपर हो इन्वेस्टमेंट कर्व से तो इसी को हम कहते हैं सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट देन आगे लिखा है एट दिस लेवल ऑफ इनकम हाउस होल्ड सेविंग्स आर मोर देन फर्म प्लान इन्वेस्टमेंट इसका मतलब है कि जब आपका सेविंग कर्व ऊपर होता है इन्वेस्टमेंट कर्व से तो सिचुएशन के अंदर आपके हाउस होल्ड की सेविंग्स ज्यादा होती है फर्म की प्लान इन्वेस्टमेंट से एज अ रिजल्ट देर विल बी एन अनडिजायर्ड अन बिल्डअप स्टॉक ऑन एंट्रीज ऑफ अनसोल्ड गुड्स इन द इकोनॉमी इसका मतलब है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो जो डिफरेंस होगा वो आपका अनप्लान्ड स्टॉक होगा यानी अगर आपकी इकनॉमी के अंदर सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं लोग इन्वेस्टमेंट से तो इस सिचुएशन के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस होगा वो आपका अनप्लान्ड स्टॉक होगा और अनप्लान्ड स्टॉक का मतलब है कि वो गुड्स जो आपकी इकनॉमी में रह गए हैं जो सोल्ड नहीं हुए अब क्योंकि आपकी इकनॉमी के अंदर अनडिज़ायर्ड स्टॉक हैं तो आपको वापस से इस सिचुएशन को इक्र पॉइंट तक लेके जाना है इसके लिए आगे लिखा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अनसोल्ड स्टॉक टू द डिजायर्ड लेवल फर्म विल कट देयर आउटपुट एंड रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट तो यह सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है इसका मतलब कुछ इस तरह है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर सेविंग ज्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट से तो एक फर्म आउटपुट को रिड्यूस करेगी और अगर वो आउटपुट को रिड्यूस करती है तो उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगी देन आगे लिखा है लेस आउटपुट एम्प्लाइज लेसर इन्वेस्टमेंट लेसर एम्प्लॉयमेंट एंड लेसर इनकम इसका मतलब है कि अगर आप आउटपुट को रिड्यूस करोगे तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होने से आपकी इम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी आपकी इनकम भी रिड्यूस होगी और इसे हम तब तक करेंगे जब तक आप वापस से इक्वेरियम पॉइंट को अचीव ना कर लें इसलिए लास्ट में लिखा है दिस टेंडेंसी ऑफ रिड्यूसिंग आउटपुट विल कंटिन्यू अंटिल इट रिचेज द इक्वेरियम लेवल ऑफ इनकम वेयर प्लान सेविंग equals प्लान इन्वेस्टमेंट इसका मतलब है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर सेविंग ज्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट से तो इसे वापस से इक्लेरियम पॉइंट तक ले जाने के लिए हम आउटपुट को रिड्यूस करेंगे और आउटपुट को हम तब तक रिड्यूस करते जाएंगे जब तक आप वापस से इक्लेरियम पॉइंट को अचीव ना कर लें और हम जानते हैं कि इक्लेरियम पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर आपका सेविंग इक्वल टू तो हो आपकी इन्वेस्टमेंट से तो यहां पर आपको ओवरऑल यही याद रखना है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर सेविंग ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से तो आप आउटपुट को रिड्यूस करके वापस से इक्लियर पॉइंट को अचीव करेंगे तो ये तो आपका डिटेल वर्जन हो गया जिसमें हमने इक्लियन पॉइंट को कैलकुलेट करना सीखा जब आपकी सेविंग ज्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट से तो इस पूरी डिटेल को तो आप तब लिखोगे जब आपका क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है पर अगर आपका क्वेश्चन वन मार्क्स का है तो सिचुएशन में किस तरह आंसर लिखना है उसके लिए आप इस पूरी क्वेश्चन को याद रख सकते हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं तो आपकी इक्वेशन को जिस तरह है कि अगर आपकी सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो इसका मतलब है कि आपकी इकनॉमी के अंदर आउटपुट ज्यादा हो चुका है यानी आपकी इकनॉमी के अंदर गुड्स ज्यादा हैं तो अगर आपकी इकनॉमी के अंदर गुड्स ज्यादा हैं तो एक प्रोड्यूसर नेक्स्ट टाइम गुड्स को कम बनाएगा यानी वो आउटपुट को रिड्यूस करेगा और अगर एक फर्म आउटपुट को रिड्यूस करती है तो उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगा अगर आपकी इकनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा तो उससे आपकी इकनॉमी के अंदर इनकम भी कम जनरेट होगी क्योंकि आपकी इकनॉमी के अंदर इनकम कम जनरेट होगी तो उससे आप सेविंग भी कम कर पाएंगे और ऐसा तब तक चलता जाएगा जब तक आप वापस से सेविंग को इन्वेस्टमेंट की इक्वल ना कर लें तो ये था आपका शॉर्ट वर्जन जो हमने ऊपर डिस्कस किया आप इस इक्वेशन को इजीली याद कर सकते हो क्योंकि इससे आपको एक बार में समझ आ जाएगा कि किस तरह अगर आपकी इकनॉमी के अंदर सेविंग ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से तो हम वापस से इक्वेरियम पॉइंट को अचीव किस तरह करेंगे इस इक्वेशन को आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इसे आप और एलेबोरेट करके आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो ये तो आ गई आपकी फर्स्ट सिचुएशन जहां पर आपकी सेविंग ज्यादा थी इन्वेस्टमेंट से ना हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सेविंग से तो किस तरह इक्विम पॉइंट को अचीव किया जाएगा जस्ट अपोजिट हो गया आपकी फर्स्ट सिचुएशन का इस सिचुएशन के अंदर आप आउटपुट को इंक्रीज करके एक को कैलकुलेट करेंगे पर पहले हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इस सिचुएशन को समझ लेते हैं देन हम उसके बाद शॉर्ट में पूरी सिचुएशन को एक ही लाइन में कवर करेंगे तो इसमें भी काफी सारे पॉइंट्स हैं एक एक पॉइंट का मतलब मैं समझाऊंगा देन उसके बाद हम शॉर्ट में भी इस पूरे सिचुएशन को समझेंगे तो लिखा है एट ओवाई टू लेवल ऑफ इनकम द सेविंग किलो द इन्वेस्टमेंट कव एट दिसम हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू इनवेस्ट इसका मतलब है कि ओ वाय टू लेवल ऑफ इनकम जो आप डायग्राम में देख सकते हैं इस लेवल ऑफ इनकम पर आपका सेविंग कफ नीचे होता है इन्वेस्टमेंट कव से और अगर आपका सेविंग कव नीचे है इन्वेस्टमेंट के तो यहाँ पर हाउस होल्ड जो है सेविंग कम कर रहे हैं कंपेयर टू फर्म जो प्लान कर रहा है इन्वेस्टमेंट की यानी आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि बायर्स जो हैं वो ज़्यादा प्लान कर रहे हैं खर्चा करने का कंपेयर टू जो एक प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने का तो बेसिकली यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हो सेविंग से यही इसका मतलब है आगे लिखा है एज अ रिजल्ट देर विल बी

और स्टॉक टू द डिजायर्ड और प्लान लेवल फॉर्म विल इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इसका मतलब है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट को वापस से इक्वल करना है सेविंग के तो एक प्रोड्यूसर ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करेगा जिससे आपका आउटपुट लेवल बढ़ेगा और जिससे आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी आगे लिखा है इंक्रीज इन आउटपुट एम्प्लायज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन इनकम इसका मतलब यही है कि एक प्रोड्यूसर आउटपुट को इंक्रीज करेगा जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी जिससे आपका एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगा और जिससे आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी और ऐसा हम तब तक करते जाएंगे जब तक आप वापस से एक इक्रियम पॉइंट को अचीव ना कर लें इसलिए एंड में लिखा है कि दिस टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट विल कंटिन्यू अनटिल इट रीचेज द इक्रियम लेवल ऑफ इनकम वी आर प्लान सेविंग्स इक्वल्स प्लान इन्वेस्टमेंट इसका मतलब एंड में यही है कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए सेविंग से तो एक प्रोड्यूसर आउटपुट को इंक्रीज़ करके वापस से इक्रियम पॉइंट को अचीव करेगा एक प्रोड्यूसर आउटपुट को लगातार इंक्रीज़ करता जाएगा जब तक वो वापस से सेविंग को इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना कर ले और हम जानते हैं कि अगर आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो जाए तो उसी पॉइंट को हम इक्रियम पॉइंट कहेंगे तो ये तो आपका हो गया डिटेल वर्जन जिसके अंदर हमने सीखा कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सेविंग से तो आप आउटपुट को इंक्रीज करके वापस से इक्रम पॉइंट को अचीव करेंगे न इसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी समझ लेते हैं जिससे आपको एक बार में समझ आ जाए कि किस तरह हम इक्रियम पॉइंट को अचीव करेंगे अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सेविंग से तो आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए सेविंग से तो इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट कम है एक प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक कम है और क्योंकि यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक कम है प्रोडक्शन आपका गुड्स का कम है तो एक प्रोड्यूसर आउटपुट को इंक्रीज़ करेगा प्रोडक्शन को ज़्यादा करेगा ताकि वो हाउस होल्ड जो प्लान कर रहा है एक्सपेंसेस करने का उसे कवर कर सके अगर एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है तो उससे ऑब्वियस ही बात है आपकी इकनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी अगर आपकी इकनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उससे आपकी इनकम जनरेशन भी ज़्यादा होगा जिससे आपकी सेविंग भी ज़्यादा होगी और ऐसा करते हुए अब वापस से एक क्लियर पॉइंट को अचीव कर लेंगे जिससे आपका सेविंग इक्वल टू तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए सेविंग से तो आप आउटपुट को इंक्रीज करके इक्लेरियम पॉइंट को अचीव करेंगे और इस तरह आपकी सेकेंड सिचुएशन भी कंप्लीट होती है आई होप आपको दोनों सिचुएशन समझ आ गई होंगी दोनों सिचुएशन में की वर्ड यही है कि अगर आपकी सेविंग ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से तो आप आउटपुट को रिड्यूस करेंगे इक्लेरियम पॉइंट को अचीव करने के लिए और सेकंड सिचुएशन है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए सेविंग से तो आप आउटपुट को इंक्रीज करके वापस से एक क्लियर पॉइंट को अचीव करेंगे इस तरह हमारे इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं आई होप आपको सभी चीजें समझ आ गई होंगी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और एक किस तरह वर्क करता है सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट थैंक यू